가져와. 방탄은 처음이지? Hey, Ami, 사랑아. A wrong number but right person 게 part 3. Hey, please 니치 아죠. Please. 정고 बात करते करते ते के पास जाने लगता है पर ते वहां से कूद जाते हैं बट जंगको दौड़ कर ते की हाथ पकड़ लेती है थोड़ी देर बाद ते आंखें खोलती है और देखती है जाने दो मुझे प्लीज नो मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा तुम क्यों ऐसा कर रहे हो उसके कोई फायदे नहीं जाने दो मुझे प्लीज मैं जीना नहीं चाहती हूँ ये बहुत दर्द देता है उन्हें वो नो हाउ पेनफुल इट इज जब तुम्हें कोई अकेला छोड़ देता है हे पता है मुझे ये बहुत दर्द देता है पर प्लीज एक चांस दे दो मुझे मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें ये सब भुलाने में मदद करूँगी बट प्लीज एक चांस दे दो तुम क्यों ऐसा कर रहे हो इवन तुम तो मुझे जानते भी नहीं तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो जोंगकुक बहुत कोशिश करता है ते को ऊपर लाने के लिए पर पसीने के वजह से जोंगकुक के हाथ से ते की पकड़ छूट रही थी बहुत लेट हो चुका है अभी तुम मुझे बचा नहीं पाओगे जाने दो मुझे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना अगर तुम मर गए तो मैं भी यहाँ से कूद कर मेरी जान दे दूंगा पर मैं मरना नहीं चाहती हूँ प्लीज हेल्प मी मैं जीना चाहती हूँ क्या तुम मेरी मदद करोगे तुम पागल हो तुम्हारे हाथ से खून आने लगा है प्लीज जाने दो मुझे मैं ये नहीं कर पाऊंगा आई एम फीलिंग डिजी हे प्लीज डोंट लूज होप बस मेरी हाथ पकड़ के रखना बहुत सारे कोशिशों के बाद जोंगकुक ते को ऊपर ले आता है कुछ सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया पर व्हाई यू सेव मी ड्यू टू डिजीनेस ते जोंगकुक के ऊपर ही अनकॉन्शियस हो जाता है आह मेरा सर क्या मैं मर चुकी हूँ पर मैं यहाँ पर कैसे आई ते को कल रात की सारी इंसिडेंट याद आ जाती है आह दैट क्रेजी मैन छत के ऊपर इतना अंधेरा था कि मैं उसे ठीक से देख भी नहीं सका पर मैं यहाँ कहाँ पर हूँ ते रूम के चारों तरफ देखती है और बेड के साइड में ही उसे कुछ मेडिसिन एंड उसके साथ एक लेटर मिलती है ते उस लेटर को हाथ में लेकर देखती है हे ब्यूटीफुल अगर तुम उठ गए हो तो फ्रेश हो जाओ और ये मेडिसिन खा लो और हाँ नीचे जाकर कुछ ब्रेकफास्ट भी कर लेना मेन बात तो रह गया क्या तुम मुझसे शादी करोगे अगर तुम्हारा आंसर हाँ है तो एक घंटे के अंदर ही अंदर मैरिज रजिस्टर ऑफिस में आ जाओ मैं वहीं पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ ऐसे कैसे कोई इंसान किसी को शादी के लिए पूछ सकता है फिर ते थोड़ी देर सोचने लगती है मैं भूलना चाहती हूँ मैं सच में ये सब भूलना चाहती हूँ चाहे वो इंसान कोई भी हो मैं शादी के लिए राजी हूँ झुनझुन ने उसके प्यार का ऐसा मजाक उड़ाया था जिसे ते बहुत दुखी थी बाकी लड़कियों की तरह ते खुद को कमजोर या इमोशनल नहीं समझती है पर युनजुन के धोखे से वो मानो टूट सी गई थी इसलिए वो उस अनजान आदमी से मैरिज करने के लिए राजी हो जाती है देन ते उसके मिस्टर क्रेजी से मैरिज करने के लिए वहां से निकल जाती है जब गाड़ी से उतर कर इधर उधर देखती है कि तभी उसकी नजर एक हैंडसम लड़के पर पड़ता है जिसे देखकर ते शॉक में पड़ जाती है क्योंकि वो हैंडसम आदमी कोई और नहीं जियोन जोंगकुक था जेजे के एंटरटेनमेंट के सीईओ इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं जो इंडस्ट्री के किंग जियोन जोंगकुक को ना जानता हो
वो यहाँ क्यों आया होगा? खैर छोड़ो, मुझे क्या। तभी जोंगकुक के असिस्टेंट मिनसुगा जोंगकुक के पास जाकर कहता है, सर मैम आ चुके हैं, पेपर्स रेडी करो। जेके भले ही इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग है, पर शादी के मामले में उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि उसकी फैमिली मेंबर भी उसे शादी के लिए बहुत फोर्स करते थे, पर जंग को साफ मना कर दिया, क्योंकि जेके को जितना उसके काम से प्यार है, उसकी 1% भी कोई लड़की से नहीं था। पर कल रात के इंसिडेंट के बाद जंग को सामने से किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा था। अचानक ते देखती है कि जंग को उसकी तरफ ही आ रहा है। ओ गॉड, ये मेरी तरफ क्यों आ रहा है? क्या तुम्हें ठीक से नींद आया? सर में ज्यादा पेन तो नहीं है ना? हाँ, कल रात आप मेरे साथ थे। जंग को थोड़ा सा मुस्कुराता है और हाँ में अपना जवाब देता है। क्या दो जोन जोंग को इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग, जिसके पीछे हजारों करोड़ों लड़कियां पागल है, उसके एक इशारों पर लड़कियां मर मिटने को भी तैयार है, ये जोन जोंग को कल रात मेरे साथ था? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। क्या सोच रहे हो? हाँ नहीं, कुछ भी नहीं। तो तुम मैरिज के लिए राजी हो? लेट्स गेट मैरिड। उन दोनों का मैरिज प्रोसीजर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। 1 घंटे के अंदर ही उनके हाथ में उनके मैरिज सर्टिफिकेट था। हफ्ते ऑफिशियली किम तेयोंग से जून तेयोंग बन चुकी थी। क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? हे, इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम योर हस्बैंड, गाड़ी में बैठकर बात करें। पूरे रास्ते ये दोनों ही साइलेंट बैठे थे। आफ्टर सम टाइम वो एक्चुअली बोलो।